हे गाइस वेलकम बैक टू हेल्पिंग गेमर्स। सो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर के कंट्रोल सेटिंग के बारे में, जहां पर आज आप लोग अच्छी तरीके से ये सेटिंग कर लेते हो तो आपका हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आज मैं आपको कंट्रोल सेटिंग में जितने भी ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है सारे सेटिंग के बारे में एक एक करके अच्छी तरीके से समझा दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा सेटिंग आपको रखना चाहिए, कौन सा सेटिंग नहीं रखना चाहिए, कौन सा सेटिंग से ज्यादा हेडशॉट लगता है, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो ना गाइस आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो चलो गाइस फटाफट कर लेते हैं वीडियो के स्टार्ट। और हाँ मेरे भाई, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी फ्री फायर के न्यू इवेंट आती है, न्यू अपडेट आती है, सारा डिटेल आप लोगों को इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। ओके गाइस, फ्री फायर में आप लोगों को दो टाइप का सेटिंग देखने के लिए मिलता है। पहला सेंसिटिविटी, जहां पर आप लोग अपने स्क्रीन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, कितना आपको जनरल रखना चाहिए और अपने डिवाइस के हिसाब से कौन सा आपको सेंसिटिविटी तैयार करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाए तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है कि भाई मेरे को इस पर एक वीडियो चाहिए, तो आप लोग बता देना, आप लोगों के लिए मैं लिस्ट वीडियो बना दूंगा। लेकिन गाइस हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले कंट्रोल्स के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो गाइस यहां पर आप लोग देखो, यहां पर आप लोगों को बहुत सारे सेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले, ऊपर के साइड से एक एक सेटिंग हम लोग बारीकी से समझेंगे, आसान तरीके में समझेंगे, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देखो जो पहला ऑप्शन है एम प्रिसीजन का, जहां पर आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, पहला डिफॉल्ट का, दूसरा प्रिसाइज ऑन स्कोप का, तीसरा फुल कंट्रोल का। लेकिन गाइज ये सेटिंग के बारे में आप लोगों को अभी नहीं बताने वाला हूं, सबसे लास्ट में बताने वाला हूं, क्योंकि ये सेटिंग आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे लास्ट में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले सेकेंड सेटिंग के बारे में, जिसका नाम है लेफ्ट फायर बटन, जहां पर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, पहला एलवेज का, दूसरा स्कोप ओनली का। तो लेफ्ट फायर बटन क्या है और आपको कौन सा सेटिंग ऑन रखना चाहिए, इसके बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखिए, आपको राइट साइड में एक फायर बटन शो कर रहा होगा, उसी के साथ आप लोगों को लेफ्ट साइड में भी एक फायर बटन शो कर रहा होगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा होगा। तो गाइस यहां पर क्या है कि अगर आप लोग एलवेज रखते हो तो आपके स्क्रीन पर हमेशा लेफ्ट फायर बटन शो करेगा। ठीक है, हमेशा लेफ्ट फायर बटन शो करेगा। लेकिन गाइस जैसे ही आप लोग यहां पर कंट्रोल में जाकर के स्कोप ओनली करते हो तो यहां पर क्या होता है कि आपका लेफ्ट फायर बटन गायब हो जाता है। अगर आप लोग जूम करोगे तभी आपका यहां पर लेफ्ट फायर बटन शो करेगा, जैसे जूम से हटाओगे आपका लेफ्ट फायर बटन चला जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग यहां पर AWM वगैरह यूज करते हो तो यहां पर आप लोग एलवेज रख सकते हो, वरना आप लोग स्कोप ओनली रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो थर्ड सेटिंग है, जिसका नाम है क्यूक वेपन स्विच, और यहां पर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, पहला ऑफ का, दूसरा ऑन का। तो सबसे पहले आप लोग समझिए क्यूक वेपन स्विच क्या है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये दोनों सेटिंग कौन सा काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखिए, तो आप लोग स्क्रीन पर यहां पर आप लोग देखिए आपके स्क्रीन पर एक बटन दिख रहा होगा, ये बटन क्या काम आता है कि जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग गन को चेंज कर लोगे। आपके स्क्रीन पर छोटा सा वीडियो क्लिप दिख रहा होगा, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर आप लोग देखो गन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अगर आप लोग ऑफ कर लेते हो तो यह सेटिंग यहां पर से गायब हो जाएगा, अगर आप लोग ऑन रखते हो तो यह सेटिंग यहां पर यह बटन आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप लोग फास्ट में यहां पर गन्स यूज करना चाहते हो या फिर यहां पर आप लोग वन टैप वगैरह मारना चाहते हो तो आप लोग ऑन रख सकते हो, वरना आप लोग ऑफ भी रख सकते हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा गेम प्ले आप लोगों को स्पीड दिखेगा। तो यहां पर अगर आप लोग ऑन रखना चाहते हो तो ऑन रख सकते हो, वरना आप लोग ऑफ भी रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं किक रिलोड के बारे में, और यहां पर भी आप लोगों को दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझिए किक रिलोड क्या है, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि ये दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको रखना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखिए, यहां पर आप लोगों को एक बटन दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीन पर देखो ये बटन क्या काम करता है। जैसे ही आप लोग गोली फायर करते हो तो एक दो गोली बचता है तो आप लोग रिलोड लेते हो, तो अगर आप लोग इस पे क्लिक कर दोगे, इस बटन पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका गन रिलोड ले लेगा। ठीक है, तो यहां पर इस टाइप का ये काम करता है। अब आप लोग यहां पर देखिए कि ये दोनों ऑप्शन किस लिए दिया गया है, पहला ऑफ का, अगर आप लोग ऑफ कर लेते हो तो आपके स्क्रीन पर ये बटन नहीं रहता है, अगर आप लोग ऑन कर लेते हो तो यहां पर मैं ऑन कर लेता हूं, यहां पर अगर आप लोग ऑन कर लेते हो तो आपके स्क्रीन पर ये बटन शो करेगा। सो काम किस तरीके से करता है, मान के चलो यहां पर आप लोग फायर किए, अब आप लोग चाहते हो कि यहां पर गन को रिलोड करना चाहिए, तो यहां पर जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपका गन रिलोड ले लेगा। ओके गाइस, अब हम लोग बात करने वाले पांचवें सेटिंग के बारे में, जिसका नाम है क्यूक स्नाइपिंग, और इसके सामने आप लोगों को दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे,
है, पहला नॉर्मल का, दूसरा होल्ड फाइट टू स्कोप का। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन रखना चाहिए, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है आप लोगों के लिए, कौन सा ऑप्शन किस टाइप का काम आता है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देखिए, अगर आप लोग कोई भी स्नाइपिंग करते हो तो यहाँ पर अगर आप लोग नॉर्मल में सेटिंग रखते हो, यहाँ पर मैं सबसे पहले सेटिंग दिखा देता हूँ। तो क्विक स्नाइपिंग के सामने देखिए, अगर आप लोग ये नॉर्मल ऑप्शन रखते हो तो अगर आप लोग फायर करोगे तो विदाउट स्कोप में यहाँ पर आप लोग फायर कर सकते हो। बट गाइस अगर आप लोग सेटिंग में जा करके इसे आप लोग होल्ड फायर टू स्कोप कर लोगे तो यहाँ पर जैसे आप लोग फायर करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्कोप ऑन होकर के फायर होगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे हो यहाँ पर कौन सा सेटिंग आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग बेस्ट हो सकता है होल्ड फायर टू स्कोप। अगर आप लोग शॉर्ट रेंज में ज़्यादा AWM वगैरह चलाते हो तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर नॉर्मल रख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी शॉर्ट रेंज के लिए यहाँ पर AWM यूज़ नहीं करता है, हमेशा लॉन्ग रेंज के लिए करता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, होल्ड फायर टू स्कोप ऑन रख लेना, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग बात करने वाले छठे सेटिंग के बारे में जिसका नाम है व्हीकल्स कंट्रोल्स। और यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, पहला टू हैंड का, दूसरा वन हैंड का। तो ये दोनों सेटिंग क्या काम आता है, कौन सा सेटिंग आपको रखना चाहिए। तो गाइस अगर आप लोग पहला ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करते हो टू हैंड का, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप लोग कोई भी व्हीकल्स कोई भी कार को चलाओगे तो आपका कंट्रोल इस टाइप का होगा और आप लोग इस कंट्रोल से आप लोग कोई भी व्हीकल्स को कंट्रोल करके चला सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आप लोग दूसरे ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करते हो वन हैंड का, तो यहाँ पर आप लोग इस टाइप का कार को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देखिए, इस टाइप का आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये जो वन हैंड का है ना, कि काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत झेलना पड़ेगा, तो आप लोगों को मेरी मानो तो आप लोगों को क्या करना है, टू हैंड का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये व्हीकल्स कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट कंट्रोल है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखो ऑटो पैराशूट, ऑटो पैराशूट में क्या काम आता है, यहाँ पर आप लोग देखो दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, पहला ऑफ का, दूसरा ऑन का। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑफ कर लेते हो तो क्या काम आता है, अगर आप लोग ऑन रखते हो तो किस लिए काम आता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो गाइस अगर आप लोग ऑटो पैराशूट को यहाँ पर ऑन रखते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप लोग अपने करेक्टर को यहाँ पर एरोप्लेन से लैंडिंग करवाओगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका करेक्टर सही तरीके से नीचे के साइड में जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऑटो पैराशूट को ऑफ रखते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप लोग अपने करेक्टर को लैंडिंग करवाओगे तो वो आसमान में अटक जाएगा। तो देख सकते हो कितना बड़ा आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये सेटिंग से मिल रहा है। तो आपको फटाफट क्या करना है, ऑटो पैराशूट को जाकर के ऑन कर लेना है, ऑफ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते इन गेम टिप्स के बारे में, जहां पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, डिफॉल्ट उसके बाद आपको सिंपलीफाइड। तो ये दोनों ऑप्शन किस तरीके से काम आता है, कौन सा आपको सेटिंग ऑन करना चाहिए, इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग इन गेम टिप्स में डिफ़ॉल्ट रखते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों जो सेफ जोन का यहाँ पर बताया जाता है कि इतना टीम के बाद सेफ जोन श्रिंक करेगा, वो आपको थोड़ा सा स्क्रीन में यहाँ पर आपको बीच के साइड में शो करेगा। लेकिन गाइस अगर यही चीज़ अगर आप लोग यहाँ पर सिंपलीफाइड कर लेते हो तो ये चीज़ आपको जो स्क्रीन पर यहाँ पर बड़ा अक्षर में शो कर रहा था वो अब छोटे अक्षर में आपको साइड में शो कर रहा है। तो सोच सकते हो ये सेटिंग कितना बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज देता है। अगर आप लोग बड़े अक्षर में देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग फॉल्ट में रख सकते हो, अगर आप लोग सिंपलीफाइड कर दोगे तो छोटे अक्षर में यहाँ पर शो करेगा कि कितना टाइम के बाद आपका जोन श्रिंक करेगा। तो काफ़ी बढ़िया सेटिंग है और यहाँ पर मैं सिंपलीफाइड ही रखता हूँ। अगर आप लोग सिंपलीफाइड रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग सिंपलीफाइड रख सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले डैमेज इंडिकेटर के बारे में, जहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, पहला क्लासिक का, दूसरा न्यू का। तो यहाँ पर डैमेज इंडिकेटर क्या है और आप लोगों को कौन सा सेटिंग रखना चाहिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो गाइस अगर आप लोग डैमेज इंडिकेटर को अगर आप लोग क्लासिक पर रखते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी किसी एनिमी पर फायर करोगे तो उसका जो डैमेज शो करेगा वो येलो कलर का शो करेगा और छोटे छोटे अंक में शो करेगा। लेकिन गाइस अगर आप लोग डैमेज इंडिकेटर को यहाँ पर न्यू वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेते हो और यहाँ पर आप लोग देखो जैसे आप लोग फायर करोगे तो आपका जो डैमेज शो करेगा वो वाइट कलर का शो करेगा और थोड़ा सा बड़ा शो करेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर क्लासिक पर रखना चाहते हो तो क्लासिक पर रख सकते हो, अगर आप लोग न्यू वाले ऑप्शन पर रखना चाहते हो तो न्यू वाले ऑप्शन पर रख सकते हो। मैं यहाँ पर क्लासिक पे रखता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को व्हाइट से ज़्यादा येलो कलर ज़्यादा हाईलाइट होता है, दिखता है, तो इसलिए मैं क्लासिक पे रखता हूँ। तो आपको जो भी बेहतरीन लगती है आप लोग वो सेटिंग रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे के साइड में आप लोगों को ऑटो स्यूज गन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, पहला ऑफ का, दूसरा ऑन का। तो ऑटो स्यूज गन में क्या है कि अगर आप लोग ऑन रखते हो और आप मान के चलो आपके पास दो गन है, ठीक है, एक गन में मान के चलो 5 MO है, तो 5 MO जैसे ही आप लोग निकाल दोगे, एक गन से निकल जाती है तो दूसरे गन में ऑटोमेटिकली स्यूज हो जाएगा, ठीक है,
के चेंज हो जाएगा, दूसरे गन आ जाएंगे हाथ में, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऑफ रखते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि दूसरे हाथ में गन नहीं आएंगे, उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ऑन रखना चाहिए, और यहाँ पर आप लोग वीडियो क्लिप में देख सकते हो, वीडियो क्लिप में देख करके आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सेटिंग भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे फ्री फायर के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आती रहती है और भी बहुत सारे आने वाली है। तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ऑप्शन आता है विजुअल इफेक्ट्स का, जो कि काफ़ी कमाल की सेटिंग है, और यहाँ पर आप लोगों को तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, पहला क्लासिक, दूसरा डार्क, तीसरा नो ब्लड, ठीक है। तो ये तीनों कौन सा सेटिंग में काम आता है, कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो इफेक्ट का ऑप्शन दिया गया, हर एक ऑप्शन पे आप लोगों को तीन अलग अलग चीज़ देखने के लिए मिलेगी। क्या देखने के लिए मिलेगी, अगर आप लोग विजुअल इफेक्ट को क्लासिक पर रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आप लोग एनिमी पर फायर करोगे तो इस तरीके के रेड कलर का आपको ब्लड शो करेगा, खून देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग जोन में जाओगे तो आपके आसपास यहाँ पर रेड कलर का आप लोगों को ब्लड शो करेगा, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ओके। इसके साथ साथ जैसे आप लोग किसी एनिमी को किल करोगे तो आपको इस टाइप का इफेक्ट करेगा, मतलब अगर आप लोग क्लासिक पर रखोगे तो आपको तीन तरह के अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। पहला तो आपको ब्लड देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ जोन में ब्लड आपको देखने के लिए मिलेगा, जब किल करोगे तो आपको इस टाइप का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पर डार्क पर रखोगे तो डार्क पर क्या होगा कि जब भी किसी एनिमी को मारोगे तो आपको ब्लैक कलर का इस टाइप का शो करेगा ब्लड, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, ओके। तो इस टाइप का शो करेगा, और जोन में आप लोग जाओगे तो आपके स्क्रीन पे ये ब्लैक कलर का ब्लड शो करेगा, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, इस टाइप का होने वाला, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर किसी एनिमी को किल करोगे तो आप लोगों को इस टाइप का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, आपके स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा, ओके। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ जो सबसे बेस्ट सेटिंग है वो है यहां पर नो ब्लड। नो ब्लड में क्या है कि जैसे किसी एनिमी को मारोगे तो आपको कोई भी ब्लड शो नहीं करेगा, ना ही रेड आपको करेगा, ना ही ब्लैक शो करेगा। इसके साथ अगर आप लोग जोन में भी रहोगे तो आपको आसपास कोई भी ब्लड शो नहीं करेगा, कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो काफी बेहतरीन सेटिंग है, और इफेक्ट आप लोगों को सेकेंड वाला शो करेगा, तो काफी बेहतरीन सेटिंग है। इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग जोन में रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई मेरे आसपास से खून निकल रहा है, और आप लोग अच्छी तरीके से फाइट भी ले सकते हो, आपको अच्छी तरीके से दिखेगा भी। तो मेरे हिसाब से यह सेटिंग बहुत ही मस्त है, आप लोग क्या कर सकते हो यहां पर नो ब्लड कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन सेटिंग है। इसके अलावा आप लोगों को एक और सेटिंग देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है फ्री लुक, जहां पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, पहला ऑफ का, दूसरा ऑन का, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए फ्री लुक है क्या। तो यहां पर आपके स्क्रीन पे एक बटन दिख रहा होगा, इसे हम लोग फ्री लुक कहते हैं, और इसका क्या काम है उसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूं। तो गाइस अगर आप लोग फ्री लुक को ऑन रखोगे तो आपके स्क्रीन पे जब भी आप लोग रनिंग करोगे तो इस टाइप का आप लोगों को आइकन दिखेगा आपके स्क्रीन पे, और इसको यूज करके आप लोग चारों तरफ मूवमेंट कर सकते हो, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। तो यहां पर आप लोग देखोगे इस तरीके से आप लोग चारों तरफ देख सकते हो, तो काफी बेहतरीन सेटिंग है गाइस। अगर आप लोग ऑन करना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो, ऑफ भी रखना चाहते हो तो ऑफ भी रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये सेटिंग मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा है, इससे हम लोग थर्ड आई भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक और ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, एक और सेटिंग देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है हीट मार्कर, और यहां पर आप लोग देखोगे यहां पर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, क्लासिक और न्यू। तो यहां पर क्लासिक पे अगर आप लोग रखोगे और किसी बंदे पे यहां पर फायर करोगे तो यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देखोगे, यहां पर आप लोगों को बीच के साइड में यहां पर देखो रेड कलर का आप लोगों को एरो दिख रहा होगा, क्रॉस रेयर जिसे हम लोग बोलते हैं, क्रॉस रेयर आप लोगों को यहां पर रेड कलर का दिखेगा। लेकिन अगर आप लोग कंट्रोल को यहां पर अगर आप लोग न्यू कर लेते हो तो यहां पर क्या है कि क्रॉस रेयर जो आपका है वो आप लोगों को व्हाइट कलर का दिखेगा, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर आपको व्हाइट दिखेगा न्यू वाले ऑप्शन पे। तो ये कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज क्रिएट नहीं करता है, बट अगर आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे लास्ट सेटिंग के बारे में जिसका नाम है टीममेट इन्फो, जहां पर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, पहला क्लासिक, दूसरा आप लोगों को ट्रांसलूसेंट, ओके। सो गाइस अगर आप लोग क्लासिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर क्या होगा कि अपने टीममेट को चाहे कितने भी डिस्टेंस से देखो, चाहे कितने भी लॉन्ग रेंज से देखो, आपका टीममेट का नाम इस टाइप का शो करेगा, थोड़ा हाईलाइट में शो करेगा और शॉर्ट रेंज में भी हाईलाइट में शो करेगा, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आप लोग कंट्रोल में जाकर के टीममेट इन्फो को ट्रांसलूसेंट पे क्लिक कर देते हो तो यहां पर क्या होगा कि टीममेट के यहां पर आप लोग नेम देखो, आपको थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिख रहा होगा, दिख रहा है, इस टाइप का चेंज होने वाला है शॉर्ट रेंज में। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग लॉन्ग रेंज में जाते हो तो आपका टीममेट का जो नेम है वो ठीक ठाक दिखने लगेगा, हाईलाइट में दिखने लगेगा।
ओके गाइस, यहाँ पर मैं ऑल सेटिंग के बारे में अच्छी तरीके से आप लोगों को मैं समझा दिया हूँ, लेकिन गाइस यहाँ पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ये सेटिंग के बारे में इस वीडियो में समझाना स्टार्ट किया हूँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, बिकॉज अभी आप लोग बोर हो चुके होंगे इतना सेटिंग जान करके। तो मेरे हिसाब से ये जो सेटिंग है इसके बारे में अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, कल शाम को वो वीडियो आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।